सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मैक्स एडिटर चैनल में। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना गाइस, ताकि मैं जब भी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जा सके। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को इस तरह के फ़ोटो बनाना सिखाऊंगा गाइस, जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना है गाइस, और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं इस बैकग्राउंड को एडिटिंग करके रखा हूँ गाइस, तो इस बैकग्राउंड का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना है गाइस। तो गाइस, आप लोग को इस बैकग्राउंड को साइड कर लेना है पिकशॉट ऐप पे। तो गाइस, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं पिकशॉट पे ऐड हमारा बैकग्राउंड हो चुका है। तो आप लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ऐड फोटो, ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को अपनी मॉडल के पीएनजी को ऐड कर लेना है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी मॉडल के पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमें अपने मॉडल के पीएनजी को जरा सी मैं रिटच कर लिया हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं गाइस, और यहाँ पे आप लोग को सिंपली सेव कर लेना है गाइस। सेव करने के बाद फिर से जाना है आप लोग को ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोग को फिर से वाटर वाली पीएनजी ले लेना है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, वाटर और फिश सब चीज़ मैंने ऐड करके रखा है। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग के लिए पीएनजी बना के रखता हूँ। तो आप लोग सिंपली आप लोग बैकग्राउंड पे आप लोग को इस तरह से फिल कर लेना है गाइस। फिल करने के बाद आप लोग को चलना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है गाइस। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे टैंप पे आना है। टैंप पे आने के बाद आप लोग को इस तरह से आप लोग को माइनस पे आप लोग को 25 रख लेना है गाइस, 24-25 के लगभग रख लेना है, और इसको सेव कर लेना है गाइस। सेव करने के बाद आप लोग को फिर से जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोग को फिर से एक पीएनजी मैं और ऐड करूंगा, जो कि है ये ग्रास का। तो ग्रास का मैं पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे। तो इस सभी पीएनजी बैकग्राउंड का लिंक मैंने दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना गाइस। तो इस तरह से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरह से, क्योंकि आप लोग का फोटो है गाइस फेक ना लगे, ठीक है ना। तो आप लोग को इस तरह से ऐड कर लेना है गाइस। ऐड करने के बाद आप लोग को सेव कर लेना है गाइस। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो चुका है। उसके बाद आप लोग को फुल एचडी में सेव करने के लिए आप लोग को चलना है गाइस ड्रॉप पे। ड्रॉप पे आप लोग जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ड्रॉप पे मैं ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस फीड पे क्लिक करना है। फीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सेव इमेज पे आप लोग को क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो सेव हो चुका है गाइस फुल एचडी में। तो गाइस, आप लोग को आगे मैं बताता हूँ। तो गाइस, इस फोटो को आप लोग को फिर से शेयर कर लेना है गाइस लाइटरूम ऐप पे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर हो चुका है। उसके बाद आप लोग को होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग को लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं लाइटरूम ऐप ओपन हो चुका है। उसके बाद आप लोग को ओल्ड फोटो पे क्लिक करना है। ओल्ड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारा एक नॉर्मल फोटो है जो कि मैं अभी ऐड किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एक प्रीसेट है जो कि आप लोग के लिए मैं बना के रखा हूँ। इस प्रीसेट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा गाइस, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। आप लोग को इस प्रीसेट को आप लोग को कॉपी करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कॉपी सेटिंग पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस सब को टिक कर लेना है गाइस, और क्रॉप को छोड़ देना है, और सेव कर लेना है गाइस। सेव करने के बाद आप लोग को बैग जाना है। बैग जाने के बाद आप लोग को फिर से आप लोग को फोटो को जो फोटो पे कलर करना है गाइस, उस फोटो को आप लोग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को फिर से चलना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद आप लोग को, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, पेस्ट सेटिंग पे आप लोग को क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद आप लोग को जरा से लोडिंग लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कुछ एक ही क्लिक में इस तरह का एडिटिंग हो चुका है। फुल एचडी में सीबी एडिटिंग हो चुका है गाइस। आप लोग यहाँ पे आप लोग सेव करोगे तो फुल एचडी में आप लोग का सेव होगा गाइस, आप लोग का फोटो, जो कि मैं भी इस तरह से मैं सेव करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, फुल एचडी में यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कलर टोन अप्लाई हो चुका है। तो गाइस, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस।